मित्रों, आज गोपीनाथ जी को हम श्रद्धांजलि तो देंगे ही, श्रद्धा सुमन हम सब दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनके प्रति श्रद्धा तभी होगी जब हम अपने दैनंदिन जीवन में गरीबों के साथ जुड़े, वंचितों के साथ जुड़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए जो कार्यक्रम लाए हैं, उन सारे कार्यक्रमों को नीचे पहुंचाने में हम पूरा योगदान करें, और कोरोना काल में लोगों की सेवा, सेवा ही संगठन, इसके लिए हम जुटें, तो मुझे लगता है कि यही गोपीनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर हमको गोपीनाथ जी से सीखना है तो उनकी सरलता सीखना है, उनका मृदुभाषी होना सीखना है, सबके साथ मिलने की, कभी लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा व्यक्तित्व इस तरीके से हम सबसे गले मिलता है, हम सबसे मिलता है, ये सरलता हमको उनसे सीखनी है। और हमें अपने साथियों के साथ एक सरलतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, यही व्यवहार अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे जी की हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। अगर हम गरीब और वंचितों के, पीड़ितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए पूरी ताकत लगा करके मोदी जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए अगर हम पूरी ताकत लगाएंगे तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी गोपीनाथ मुंडे जी।